इस बात से सभी बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि शिक्षा का अधिकार पाकर उन्हें कई जानकारियां मिल सकेंगी, वे भी शिक्षा को जान सकेंगे, समझ सकेंगे और इस तरह देश का नाम भी ऊंचा उठ सकेगा, हमारे देश की तरक्की हो सकेगी। देवांशी, ये बताएं कि शिक्षा का मौलिक अधिकार बन जाने से वहाँ के बच्चों में कितनी खुशी है। मुझे बहुत खुशी है कि राइट टू एजुकेशन बिल के जरिए जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ पाएंगे, वो हमारी तरह शिक्षा ले पाएंगे, वो भी हमारी तरह बन सकेंगे। हम कुछ ही बच्चे हैं देश में जो पढ़ सकते हैं, जो माँ बाप के पास जिनके पास पैसे नहीं है वो अपने बच्चों को अब बिना पैसे के पढ़ा सकते हैं। इस अधिकार से बच्चों को कितना फायदा होगा? राइट टू एजुकेशन बिल आने से बहुत लोगों को फायदा होगा और बहुत लोगों को पढ़ने को मिलेगा। हम बच्चे स्कूल चल जाते हैं, जो बच्चे को स्कूल जाने को नहीं मिलता उन्हें स्कूल जाने को मिलेगा और इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, स्कूल का स्टडी करने को मिलेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हर्ष, क्या तुम जानते हो जब देश आजाद हुआ था तो करोड़ों लोग अनपढ़ थे, लेकिन आज भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जयपुर की रिपोर्टर प्राची शर्मा ने इस विषय पर एक रिपोर्ट बनाई है, आइए देखते हैं। जब देश आजाद हुआ तब 12% लोग ही पढ़ लिख पाते थे, लेकिन 2001 के आते आते इसमें 5 गुना इजाफा हुआ। आज देश में करीब 65% लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। तमाम कमियों और खामियों के बाद भी देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन आज भी करीब 1/3 आबादी अनपढ़ है। एक और केरल जैसे राज्य में सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, वहीं बिहार में आधे से भी कम आबादी पढ़ लिख पाती है। लेकिन राहत की बात यह है कि महिलाओं की साक्षरता दर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 1991 से 2001 के बीच में 11% पुरुषों के मुकाबले 14% महिलाएं साक्षर हुईं। देश में साक्षरता दर में बढ़ोतरी के चलते डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, उद्यमियों की संख्या भी बढ़ी है। यही नहीं, भारतीय डॉक्टर, आईटी प्रोफेशनल्स और इंजीनियरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और ये सब शिक्षा के चलते संभव हुआ है। और ऐसे में शिक्षा के अधिकार कानून के लागू हो जाने से पूरी तरह साक्षर होने का सपना जल्दी पूरा होने की उम्मीद जगी है। अब हमारे हाथ में शिक्षा का मौलिक अधिकार है, लेकिन शिक्षा के लिए उन बुनियादी जरूरतों को भी पूरा कर लिया जाए तो आने वाले समय में साक्षरता दर और तेजी से बढ़ेगी। इस समय जयपुर से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ प्राची शर्मा। बात तो सही है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे देश की सामाजिक और आर्थिक दशा सुधारी जा सकती है। उम्मीद है कि शिक्षा के अधिकार कानून के आने से साक्षरता दर और बढ़ेगी। बच्चे और बड़े सभी समय के साथ जुड़े रहें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद शिक्षा जगत की और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हर्ष, क्या तुम जानते हो बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं? चलो देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो देश के भविष्य सुधारने में लगी हैं। सब पढ़े सब लिखे के इरादे से सरकार ने कई योजनाएं शुरू कर रखी हैं। मकसद हर कोने तक साक्षरता की रोशनी पहुंचाना है। सरकार की ये योजनाएं कामयाब भी हुई हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए खाना, कॉपी पेंसिल, वर्दी और जूते मुफ्त में दिए ताकि बच्चे स्कूल आए। इन सब के लिए देश भर में कुछ खास सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मिड डे मील, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षा गारंटी योजना और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रमुख है। ये सरकार के वो काबिले तारीफ कदम है जिससे एक शिक्षित और सुव्यवस्थित भारत का सपना साकार होने की राह आसान लगती है। ऐसे में शिक्षा का अधिकार कानून इन तमाम सरकारी योजनाओं को और मजबूती देगा, क्योंकि शिक्षा अब हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। मैं अपने शिक्षा के अधिकार की रक्षा करूंगी जिससे देश की तरक्की हो। इस समय दिल्ली से स्तुति।